जुलेश जी यही थे नमस्कार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजभूषण चौधरी ने सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि वही नित्यानंद राय, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। मंच पर डिप्टी सीएम रेणु देवी, भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित तमाम वरिष्ठ नेता और विधायक वहाँ मौजूद थे, जहाँ सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। वहीं संजय जायसवाल ने मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए कहा है कि वीआईपी पार्टी के 90% व्यक्ति जो हैं 10 दिनों के अंदर बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य पालन का जो मंत्रालय था वो बनाया है, पहला मत्स्य पालन मंत्रालय बना है, और वीआईपी पार्टी जिस तरह से मुकेश सहनी को वो मंत्रालय दिया गया था, उन्होंने जो काम किया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वहीं संजय जायसवाल ने ये भी कहा है कि आज मुकेश सहनी से नाराज होकर के ही आज सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। और मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी का हार्दिक भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ ही वीआईपी के प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शम्स आलम गुड्डू जी भी इस दल को आज ज्वाइन कर रहे हैं, और न केवल वह ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि माइनॉरिटी के जितने भी उनके जिला के अध्यक्ष हैं वह सब भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के 90% से ज्यादा नेताओं ने, जिन्होंने अपना खून पसीना लगा करके उस पार्टी को बनाया था, वह सब अगले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और एक इतनी बड़ी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और जिस प्रकार से ऑनलाइन काउंसलिंग करके परंपरागत मछुआ को सदस्य बनने का जो खत्म किया गया, एक सरकारी कर्मचारी को मछुआ सोसाइटी का प्रबंधक के रूप में मालिक को बैठाने का प्रयास किया, उसके विरोध में ये सब इस्तीफा दे दिया है अपने पार्टी से। और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी का कि वह आए, और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी भाई साहब से वह स्वयं सदस्यता ग्रहण करेंगे।